बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का विषय हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो उससे पहले थोड़ा मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर को देख लेते हैं, देन हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर में तीन चीज़ें आती हैं, मेन पार्ट्स, कंपोनेंट्स, बेसिक एक्शंस। वैसे कंप्यूटर और पार्ट्स में ज़्यादा फर्क नहीं था, चलें ज़रा देखते हैं। मेन पार्ट्स हैं इसके CPU, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। मेन कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। और बेसिक एक्शंस में आते हैं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीन चीज़ें। ओके, देखते हैं ज़रा। मेन पार्ट्स जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि CPU, जो कि हमने प्रोसेसिंग और मेमोरी वाला लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आता है या प्रोसेस करने के काम आता है। और इनपुट्स डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रॉम द यूज़र, ऐसा कौन से डेटा को जो कि यूज़र से दिया गया होगा, डेटा मीन्स जो यूज़र ने दिया होगा कंप्यूटर को, उसको क्या करता है प्रोसेस करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है CPU। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं CPU के, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स, इनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये है ऊपर जो आपको दिख रहा है वो CPU कैश है और नीचे वाला है प्रोसेसर। उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट या फिर कोई नंबर डेटा अगर हमने कंप्यूटर में एंटर करना हो तो उसके काम आता है। बहुत ही मीन्स काम की चीज़, अगर कीबोर्ड ना हो तो हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे कंप्यूटर को। तो AT एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी और इन्हांस्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तीन तरह के कीबोर्ड होते हैं। ओके, तो पहले जो यूज़ किए जाते थे वो AT कीबोर्ड थे, ठीक है, जिनमें कुछ कीज़ नहीं थी, जैसे कि फंक्शंस वगैरह इस तरह की कीज़ कुछ नहीं थी ज़्यादा। बट XP में देखें, यहाँ पर फंक्शंस कीज़ हैं, उसके अलावा सैम्पल्स हैं और एरोज़ हैं, ये तकरीबन सारी चीज़ें हैं जो कि AT में नहीं थी। बट इन्हांस्ड कीबोर्ड या मल्टी मीडिया कीबोर्ड में कुछ फर्दर कीज़ भी हैं, जैसे कि मल्टी मीडिया कुछ हैं, ठीक है, लाइट्स वगैरह ये वो, और पावर ऑन पावर ऑफ तकरीबन सारा कीबोर्ड से कंट्रोल हो रहा है। तो ये क्या है, इनहांस कीबोर्ड, ये तीन टाइप्स के कीबोर्ड थे। उसके बाद माउस के दो टाइप होते हैं। माउस बेसिकली क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यूज़ होती है, जो कि 1.0 विंडोज से ही आने लगा है, शुरू हुआ है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब विंडोज 1.0 आया था। तो ये अब पहले की माउस यूज़ नहीं होता था कीबोर्ड के जरिए सारा, क्योंकि कंसोल था इंटरफेस। अब क्योंकि जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ माउस पे काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कीबोर्ड पे करें। माउस से थोड़ा काम स्लो है बट आसान है वैसे देखा जाए तो। आप आइकन पर क्लिक करते हैं, पॉइंट करते हैं और काम हो जाता है। तो दो तरह के माउस हैं, एक USB माउस और PS2 माउस, वायर के हिसाब से। PS2 माउस पहले यूज़ किए जाते थे वायर वाले, ठीक है, अब तो खैर USB यूनिवर्सल सिलेबस वाले माउस ही यूज होते हैं। उसके बाद है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, बेसिकली मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपका रिकॉर्ड, रिजल्ट या इस तरह के काम आता है, वो जो कि आउटपुट आपने देखा हो, देखना हो। जो भी इनपुट आप देंगे तो जाहिर है उसका आप आउटपुट चाहते हैं, इसीलिए तो इनपुट दिया है। तो वो आउटपुट देखेंगे कहाँ, वो आप मॉनिटर पे देखेंगे या डिस्प्ले स्क्रीन पे देखेंगे। तो इसके तीन टाइप्स हैं, CRT, कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटिंग डायोड। ये आपको जो नज़र आता है, ये नज़र आ रहा है वो CRT है, कैथोड रे ट्यूब, जो कि ओल्ड मॉनिटर्स थे, पहले यूज होते थे। इनका मेन डिसएडवांटेज ये था कि हेवी थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्लेस ऑक्यूपाई करते थे और हाई पावर कंज्यूमेशन, ठीक है, पावर भी ज़्यादा लेते थे, रेडिएशन भी हाई थी। वो जो कहते थे ना भाई आँखों को प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से, इस रेडिएशन के हिसाब से, तो ये था। और रेजोल्यूशन भी लो थी, मीन्स ग्राफिक्स भी लो थे रेजोल्यूशन, ठीक है, क्वालिटी भी कम थी। तो ये जो थे पहले यूज़ किए जाने वाले सिस्टम थे। तो इनको फिर इनके बाद LCD ने इनको रिप्लेस किया। LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इनका जो मेन एडवांटेज है, एक तो ये लाइट वेट है ना, तो भारी नहीं है ये, इतने कम मतलब वजन है और जगह भी कम लेते हैं, 12 वोल्ट पावर लेते हैं, रेडिएशन भी लो है और ग्राफिक्स भी आए हैं, ये इसकी खास बात है। बट LED ने फिर LCD को भी रिप्लेस कर दिया। LCD में भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, एक TN आता है या IPS आता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, तो LED ने क्या किया, उसको भी रिप्लेस कर दिया। LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। वैसे तो कोई फ़र्क इतना खास नहीं है LED और LCD में, बट ये फ़र्क है भाई कि इसमें जो पिक्चर क्वालिटी है
पर निस्बतन एलसीडी से वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा आप जिस भी एंगल से एलईडी को देखेंगे सेम डिस्प्ले आएगा, बट एलसीडी में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ मेन पार्ट्स थे कंप्यूटर के। अब ज़रा आते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पर ना। तो कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, स्पीड, ऑफ कोर्स स्पीड इसका करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। वो यूं कि अगर ध्यान में रखें कि फॉर सपोज अगर एक काम आप एप्लीकेशन लिखते हैं फॉर सपोज 10 मिनट में और कंप्यूटर वो एप्लीकेशन लिखता 15 मिनट में, तो आप मुझे बताएं क्या आप यूज़ करते कंप्यूटर? ऑफ कोर्स नहीं, आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि आप तो उससे ज़्यादा तेज़ लिख रहे हैं। तो क्या फ़ायदा कंप्यूटर हमारा टाइम ही नहीं बचाता। हमारा टाइम बचेगा तभी तो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए स्पीड जो है वो इसका करेक्टरिस्टिक्स है और बहुत ही काम की चीज़ है। कंप्यूटर्स ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड, बहुत ही तेज़ी से काम करता है कंप्यूटर। देयर स्पीड इज मेजर्ड इन मिलियंस फॉर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हमने पहले भी CPU में डिस्कस किया हुआ है, तो सारा स्पीड और CPU रैम ये सब तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं। उसमें आप देख लीजिएगा गीगाहर्ट्ज़ बिलियन पर सेकंड्स के हिसाब से ये काम करता है, तो स्पीड क्या ही बात है। ठीक है, उसके बाद है एक्यूरेसी। तीन चीज़ें जो करेक्टरिस्टिक्स की मेन है ना, स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज। अगर तीनों में से एक भी ना हो तो आप कंप्यूटर यूज़ ना करें। फॉर सपोज एक्यूरेसी की बात करते हैं कि इंसान ना भरोसे वाला इंसान मतलब वो है, ठीक है, कि अगर कंप्यूटर ने एक बार भी आपको रिजल्ट गलत दे दिया ना, फिर फॉर सपोज आपको पता है कि 2+4=6, लेकिन कंप्यूटर ने दिया 2+4=7 फॉर सपोज, तो आप क्या कहेंगे? भाई ये तो हिसाब जो है वो गलत बता रहा है, एक्यूरेट ही नहीं है, कहीं कभी सही बता रहा है कहीं कभी गलत बता रहा है। अगर आप अगले दिन या तो आगे चल के करोड़ों का हिसाब करने जा रहे हैं और वो कंप्यूटर ने गलत बता दिया, आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा रिलाय करते हैं कंप्यूटर पर। हम कंप्यूटर ऐसी चीज़ है, हम 100% हम इंसान पर इतना रिलाय नहीं करते जितना कंप्यूटर पर करते हैं। तो अगर उसने कभी गलत आंसर दे दिया तो अब एक्यूरेसी तो रही नहीं ना, ठीक है, तो क्या होगा भाई? अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप उस पर रिलाय नहीं करेंगे। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है, कंप्यूटर एक्यूरेट है। इवन अगर आप अपना नाम भी एक बार लिखेंगे भाई, दो बार लिखेंगे, तो उसमें राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, चेंजिंग होगी छोटा बड़ा, बट इवन कंप्यूटर ऐसा नहीं है। 100 बार लिखेंगे ना तो जिस तरह उसने पहली बार लिखा था, 100वीं बार भी उसने वैसा ही लिखना है। तो ये एक्यूरेसी और बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। चलें जी, जो कि ह्यूमन की वीकनेस है ना, मतलब ये एक्यूरेसी इंसान नहीं कर सकता। उसके बाद ऑटोमेटिक है। कुछ टास्क ऐसे हैं कि जो हम इस पर ऑटोमेटिक रिलाई कर सकते हैं, वही ऑटोमेटिक अपडेट्स हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें होंगे जो ये ऑटोमेट करेगा, बट ये इतना खास मेन नहीं है वैसे। डिलीजेंस है। उसके बाद अब ये है कि कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म द सेम टास्क ओवर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। मीन्स कंप्यूटर बिना थके एक ही काम बार बार काफ़ी टाइम तक कर सकता है, जबकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो ये भी एक अहम चीज़ है डिलीजेंस कंप्यूटर के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्सेटिलिटी। मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क कंटिन्यूसली, डूइंग मेनी टास्क एट द सेम टाइम। अब इसमें एक काम की बात यह है कि आप एक ही टाइम पर म्यूजिक भी सुन सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ एक ही टाइम पर हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, माइक भी रिकॉर्ड हो रहा है, और पूरा सॉफ्टवेयर भी आप यहाँ पर एक दो देख रहे हैं, पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग हो रही है जो कि आपको भी नज़र आ रहा है। तो ये भी एक कंप्यूटर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है। तो ये थी एडाप्टेबिलिटी। अब ये है कि जिस भी फील्ड में कंप्यूटर को ले आए ना, वो अडाप्ट करता जा रहा है उस चीज़ को। मीन्स हम अगर हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर भी कंप्यूटर है, होम की बात करें तो वहाँ पर भी है, इंटरटेनमेंट की जगह पर है, स्कूल्स में है, हर जगह स्पेस में है, मेडिसिन, टीचिंग, हर फील्ड में कंप्यूटर आ चुका है। तो कंप्यूटर जो है चीज़ों को अडाप्ट कर लेता है, अगर एक तरह से ऐसा देखा जाए तो। ये भी करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है हर फील्ड में ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक होता है नेचुरल, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब प्रोग्रामर्स ने इतना इसको वसी कर दिया है या साइंटिस्ट ने कि कंप्यूटर AI परफॉर्म करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों को समझने लगा है कंप्यूटर खुद से। तो ये कुछ कैपेबिलिटीज़ आती जा रही हैं इसमें, आगे जनरेशन में भी शायद ये रोबोट जो बन रहे हैं तो इनमें ये कैपेबिलिटी है AI की, फेस डिटेक्शन हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गए कुछ, ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो ये भी इसका करेक्टरिस्टिक्स है। स्टोरेज जो कि बहुत काम का है,
अगर कंप्यूटर डेटा को स्टोर ही ना करे तो क्या आप यूज करेंगे? ऑफ कोर्स आप फेंक देंगे, भाई क्या मैं क्यों यूज करूँ, क्योंकि ये डेटा को स्टोर ही नहीं करता। तो स्टोरेज जो है वो मेन मतलब बुनियादी सोचो या कोर पॉइंट में अगर कहूँ तो वो इसलिए क्योंकि स्टोरेज ही नहीं है, तो आप क्या फायदा होगा। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे कंप्यूटर के जो हमने अभी डिस्कस किए। तो उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अगर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को ना कैटेगराइज किया गया है उसके अमाउंट को देखकर, उसकी कैपेबिलिटी को देखकर और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को देखकर क्या किया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज किया है चार मेन ग्रुप में। एक सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत ही फास्ट कंप्यूटर होता है। उसके बाद मेन फ्रेम जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बाद फास्ट है, मिनी देन माइक्रो। तो ये कुछ कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको क्या होते हैं, इनकी कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा होता लार्ज होते हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए काम आते हैं। ये मीन्स ये जो हम म्यूजिक सुनने के लिए या इंटरटेनमेंट के या गेम्स के लिए काम करते हैं, ये नहीं, ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, बहुत महंगे होते हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे नासा हो गया या स्पेसएक्स हो गया, इस तरह के जो है कंपनीज इसको जो है वो यूज़ करती हैं और कुछ जो हैवी प्रॉब्लम्स होते हैं या साइंटिफिक प्रॉब्लम होते हैं, फोरकास्टिंग हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम्स हल करते हैं, या नेविगेशन, बॉम्बिंग, रॉकेट साइंस, इस तरह के। ओके ओके, उसके बाद आया है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम जो है वो एक मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है, मल्टी टास्किंग, मल्टीप्लेयर या फिर मल्टी यूज़र कह दे दो। ठीक है, थोड़े छोटे होते हैं सुपर कंप्यूटर से, बट ये भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये भी यूज़ होते हैं बहुत, वर्ल्ड वाइड में यूज़ होता है। इसके अलावा यूज़र सर्वर के लिए यूज़ किया जाता है। सर्वर समझते हैं आप, अगर नहीं समझते तो डेटा कम्युनिकेशन की क्लास लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो कैपेबिलिटी के हिसाब से देखें तो सुपर कंप्यूटर से वैसे कम होता है, लेकिन बहुत ही बड़ी या ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड एंड डेटा स्टोरेज, इसका डेटा स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है और स्पीड भी ज़्यादा होती है, और इसके लिए एयर कंडीशन रिक्वायर्ड है, मीन्स ज़रूरी है रिक्वायरमेंट। जितना पावरफुल सुपर कंप्यूटर है उतना ये नहीं होता खैर, बट कम भी नहीं है ये। अभी आपको जो पीछे नज़र आ रही है ये मेन फ्रेम की है। मेन फ्रेम सर्वर्स के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, बड़े बड़े वेयर हाउसेज के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर्स, जो एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखा जाए तो उससे कम ही होते हैं मेन फ्रेम से। ये स्मॉल बिजनेस के लिए या बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के लिए जहाँ पर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं बड़े पैमाने पर, तो वहाँ पर मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये स्मॉल साइजेस के होते हैं। ठीक है, और यूज बाय डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं ना वो इनको यूज़ करती हैं। ठीक है, साइज इनका छोटा होता है। मैं इनको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखें आप, ये मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मतलब आपके पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एक लैपटॉप जो कि मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि ये क्लासिफिकेशन मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आज तक तो हमने एक माइक्रो कंप्यूटर यूज़ किया ना, अब ज़रा देखें अगर माइक्रो कंप्यूटर इतना फास्ट हो सकता है तो मिनी कितना फास्ट होगा, या फिर उससे ज़्यादा अगर जाएँ तो मेन फ्रेम कितना फास्ट होगा और सुपर कंप्यूटर कितना फास्ट होगा। तो हर कंप्यूटर अपने अपने कैपेबिलिटीज़ और अपने अपने उसके लिए बना हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर यूज इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर लाइक पीसीज। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि हमने कोई स्प्रेडशीट वाला काम करना है, डेटाबेस यूज करना है, गेम खेलनी है, इंटरनेट परफॉर्म करना है, तो ये तकरीबन माइक्रो कंप्यूटर में हो जाता है। पावरफुल कम होते हैं, जितने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। और अच्छा, यूज़ ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि हर बंदा, पब्लिक भी यूज़ करती है, डिपार्टमेंट भी यूज़ करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करती हैं। ठीक है, अब इसमें टाइप्स आते थे नोटबुक, लैपटॉप, ये भी माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। अनहेल्डेड मोबाइल फोन्स, टैबलेट, पीसीज, ये भी माइक्रो कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। ये देखें, तो आज हमने देखा भाई मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।